हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आई एम श्योर अच्छे होगे और अच्छा खा रहे होगे, अच्छा बना रहे होगे। तो मैं आपके लिए एक नई रेसिपी आज लेके आया हूँ, जो कि है लौकी के कोफ्ते। ठीक है, उसको हम लोग फ्राई नहीं करेंगे। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रेसिपी इज उसको हम फ्राई नहीं करना, कोफ्ते को फ्राई नहीं करेंगे, बट उनको हम लोग रोस्ट करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा उसको कैसे करना है रोस्ट। और चलते हैं अपने किचन की तरफ। तो अब हम पहुँच चुके हैं अपने किचन में, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम करने वाले हैं इस बेसन को रोस्ट। ये है बेसन, अराउंड 60-70 ग्राम्स है, तो इसको हम लोग रोस्ट करना है। क्यों हम रोस्ट कर रहे हैं? क्योंकि जो आपके कोफ्ते होंगे वो पकने में टेंशन नहीं देंगे आपको। ठीक है, ट्रिक है यूज़ करना। अगर आपको बिना रोस्ट करे खाना है तो बिना रोस्ट कर भी खा सकते हैं। तो ठीक है, बेसन ले लिया है और इसे हम थोड़ा रोस्ट करेंगे कम से कम 5-7 मिनट के लिए। तो ये देखिए, 5-7 मिनट मैंने इसे चलाया है। तो ये देखिए, 5-7 मिनट मैंने इसे चलाया है और ये ब्राउन हो चुका है ठीक से। तो ज़्यादा इसको जलाना नहीं अपने को, ठीक है। तो ये गुड है, गैस बंद कर दी है, इसको मैं खाली कर लेता हूँ इस बोल में। और इसमें हम डालेंगे पानी। तो अब हम बनाने जा रहे हैं इसकी ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए मेरे पास क्या क्या है, आप देखिए। मेरे पास 2 प्याज हैं, 3 टमाटर लिए हैं मैंने, और 1 लाल मिर्च, 3 हरी मिर्च और थोड़े से लहसुन की कलियाँ। ठीक है, तो इसे काटेंगे और इसको ज़्यादा फाइन नहीं करना हम, क्योंकि हम इसको अभी इस पर तड़का भी इसका फ्राई करने वाले हैं। एक्चुअली थोड़ा फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद जो इसकी ग्रेवी बनेगी उसमें मज़ा आएगा। ठीक है, सेम भी आप इसे भी काट लीजिए, अपने टमेटोज को ये पार्ट ज़रूर निकाल दीजिए बाहर, क्योंकि ये पार्ट इज़ नॉट गुड। और ये हमारे कट चुके हैं टमाटर, ये हमारे कट चुके हैं प्याज। और अब हम चलेंगे अपने गैस की तरफ। गैस में हम तेल डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा। ओके, तो हम डाल लेते हैं घी अपने पैन में, अराउंड 1.5 टीस्पून है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट गर्म हो ही गया है। इस पर डाल लेते हैं जीरा और उसके बाद हम इसमें प्याज और टमाटर को भूनेंगे। तो भून के फिर उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे, पेस्ट बनाएंगे। और अब हम डाल देते हैं प्याज। तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे अच्छे से पक जाएगा। ठीक है, और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। ठीक है, और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 4-5 मिनट, और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा, इसको फिर हम पीसेंगे। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास क्या है। ये है मेरे पास लौकी, ये मैंने कद्दूकस कर ली थी थोड़ी सी, और ये है भुना हुआ बेसन जो मैंने आपको दिखाया था। तो अब क्या करना है, सबसे पहले आप इसके थोड़ा पानी इससे आउट कर लें, निकाल लें। ठीक है, और पानी जो है इसको फेंकना नहीं, इस पानी को फेंकते नहीं है। ठीक है, इस पानी को हम लोग यूज़ करेंगे जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका पानी निकाल लेना है। और ये देखिए, बस ये पानी को फेंकना नहीं है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना क्योंकि ये पानी बहुत हेल्दी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको थोड़ा सा मिक्स, और उसके बाद इसमें हम लोग डालना है थोड़ा सा मसाला टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बनेंगे कोफ्ते। ठीक है, तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। तो ये ऐसे आप मिला लो। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है पहले, आपको पता है। थोड़ा नमक डालना है, वो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। और अब जो नेक्स्ट हम डालेंगे उसमें वो है किचन किंग मसाला। ठीक है, वो डाल देते हैं थोड़ा सा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है आपके कोफ्तों में। और अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा धनिया पाउडर। ठीक है, तो अगर आपको ड्राई लग रहा है आपका पेस्ट, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको
कोफ्ते बनाने हैं, ठीक है। अब मेरे पास है ग्रीन चिलीज काटी हुई है मैंने, तो आप उसे डाल लेते हैं। ग्रीन चिली डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, ये तो आपका मसाला रेडी है जो आपने पीसना है, इसकी बनेगी ग्रेवी। है ना, लग रहा है शानदार? तो बस इसे लेकिन ठंडा कर लेना, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर लेके आना, और उसके बाद ही इसे पीसना, ठीक है, उसके पहले नहीं। तो जब तक हमारा मसाला ठंडा होता है, हम लोग बना लेते हैं कोफ्ते। तो ये देखिए, हमारा ये पेस्ट तो एकदम रेडी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करना है आपको, इस ये देखो, ये है ना, इसे आप क्या बोलोगे, इसे हम बोलते हैं अप्पे बनाने वाले। तो इसमें हमने थोड़ा घी लगा लिया है, एक एक बूंद घी लगा लीजिए आप इसके इन खानों में, और अच्छे से इसे अप्लाई कर दीजिए। इस पर घी ज़्यादा नहीं डालना, एक बूंद ही डालनी है, एक दो बूंदे, ताकि इसका आपका जो वो है कोफ्ते इसमें चिपके ना। तो मैं आपको कोफ्ते जो दिखा रहा हूँ वो है बिना डीप फ्राई किए हुए कोफ्ते, ठीक है। तो हमने इसमें अच्छे से घी लगा लिया है, और नेक्स्ट इस पे जाएंगे और इसको इस तरह से गोल बना के, अगेन डोंट माइंड द शेप्स, ठीक है। तो इस पर आप डाल दीजिए ऐसे करके, थोड़ा प्रेस कर दीजिए, और तो ये आप देख लीजिए ऐसे करके आप सारे डाल दीजिए, ठीक है। ये देखिए, सारे के सारे मैंने डाल दिए हैं अपने कोफ्ते इस सांचे में, और अब हम इसको रखेंगे गैस के ऊपर, ठीक है। तो गैस ऑन कर लेते हैं और इस तरह से आप इसे प्लेस कर दीजिए गैस के ऊपर, और इंश्योर करना कि आपकी गैस ज़्यादा फुल ना हो, ठीक है, मीडियम टू लो में होनी चाहिए, क्योंकि तो धीरे धीरे पकेंगे, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो जलने की संभावना रहेगी। ढक दीजिए इसे आप, और उसके बाद देखते रहिएगा 5 से 10 मिनट में ये आपके रेडी हो जाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं इसको, और मैं देखो इसे आप ऐसे पलट लो, ईजिली पलट जाते हैं ये, ठीक है, ये ऐसे ही पलट जाएंगे अच्छे से, और इसको आप सबको पलट लो, और नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपके 4 to 5 मिनट्स में आपका अदर साइड भी पक जाएगी, और आपके शानदार कोफ्ते रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसको हम इस तरह से पकाएंगे कम से कम 4 से 5 मिनट फिर से, जो कि इसके अंदर साइड पक जाए। तो ये देखिए जी, नेक्स्ट 5 मिनट्स में ये सारा तैयार हैं हमारे कोफ्ते, आराम से निकाल लीजिए, और उसके बाद हम जा रहे हैं सीधे इसकी ग्रेवी की तरफ। ग्रेवी बनाएंगे और उसके बाद हम इनको ग्रेवी में डालेंगे। ये देखिए, हमारा पेस्ट रेडी है, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है अपने मसाले को, और अब हम चलेंगे अपनी गैस की तरफ, और अब इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून घी, और जैसे ही गर्म होता है तो हम डाल लेंगे इसमें जीरा, ठीक है। तो ये गर्म होने लगा है, और लेट्स पुट जीरा, और अब इसमें हम डाल देते हैं अपना पेस्ट जो हमने ग्राइंड किया था। और अब हम इसे थोड़ा चलाएंगे कम से कम 4 से 5 मिनट, और इसमें हम फिर डालेंगे थोड़े से स्पाइसेस, थोड़े से मसाले, ठीक है। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आ रहा है, कितना बढ़िया टेक्सचर है, और वैसे हमने इसको, आपको पता है, हमने इसे फ्राई किया था सारे मटेरियल को, तो लेकिन फिर भी हम इसे 4 से 5 मिनट इसे ऐसे चलाएंगे इस तरह से। इसमें मसाले, थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी डाला हुआ है सारी चीज़ों पहले, और डालते हैं अब थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा किचन किंग मसाला, और फाइनल स्पाइसेस में जो मेरे पास है वो है रेड चिली पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर। इससे आपको बहुत अच्छा कलर मिलेगा आपके इस रेसिपी में, कोफ्ते की रेसिपी में। तो ये डाल दी है, इसे थोड़ा सा चला लीजिए, और इसके बाद कुछ नहीं करना, आराम से बैठो, पानी पियो, और गर्मी बहुत है, हाइड्रेटेड रहो, रिहाइड्रेशन ना हो, इसलिए पानी पीते रहो, और बस इसको हम लोग अब ढक के रख देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए, उसके बाद इसे देखते हैं। कोफ्ते रेडी हैं,
हमारी ग्रेवी बन रही है। कैसी बन रही है मैं दिखा देता हूँ आपको। थोड़ा पानी मैंने इसमें यूज़ किया था क्योंकि थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, तो आप इसको पानी यूज़ ज़रूर करें अगर थोड़ा गाढ़ी होती तो, ठीक है, क्योंकि आपको ग्रेवी चाहिए खाने के लिए। ये देखिए क्या बढ़िया टेक्स्चर आ रहा है, आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, है ना, नाइस। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अपने जो कोफ्ते हैं वो डाल देंगे सारे के सारे, क्योंकि ये कोफ्ते इसमें थोड़े से भीगेंगे और थोड़े फिर उसके बाद सॉफ्ट होंगे और फिर आपको जो खाने में आनंद आएगा तो आप मेरा नाम लोगे, ठीक है। बनाना ज़रूर और बताना मुझे कि कैसे बने आपके और क्या टेस्ट था, और क्या अगर आपने कुछ अलग एक्सपेरिमेंट किया हो तो प्लीज़ वो भी मुझे बताना, सो दैट हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकें ऐसे ही एडवाइसिंग करने में, ठीक है। तो अब इसे हम लोग रख देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम से लो गैस पे, और इसे ढक देंगे, कवर करते हैं और फिर देखते हैं इसका क्या सिचुएशन है। तो जी ये देखिए बढ़िया से 5 मिनट में इसे पका लिया था, और ये देखिए अभी हमारे कोफ्ते अच्छे से पक चुके हैं, ठीक है। टेक्स्चर देखिए भाई साहब आप, और खा के बताइएगा अपने घर में कैसा लगा, मैं तो बताऊंगा थोड़ी देर में अभी। तो फाइनल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये क्या है देखिए, ये है कसूरी मेथी, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा चूर के डाल लीजिए फाइनली, सो दैट ये आपको फ्लेवर दे बेहतरीन, ठीक है। तो ये देखिए अच्छे से बन चुकी है, और मैं गैस बंद कर देते हैं और उसके बाद हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या मिजाज है। तो इसे कर लेते हैं बोल में ट्रांसफ़र, और ये देखिए बेहतरीन, ठीक है। तो अब चलते हैं इसे खाते हैं और आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं इसका कैसा टेस्ट है। तो ठीक है, मैं रेडी हूँ अपनी डिश के साथ। ये देखिए इतनी बढ़िया कोफ्ते की डिश, तो मैं सब टेस्ट करता हूँ, ठीक है, टेस्ट इट, देखते हैं कैसा इसका टेस्ट आया निखर के। तो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बनी है ग्रेवी, बहुत शानदार बनी है। तो ऐसे ही बनाना, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालना। बहुत ही सिंपल रेसिपी थी और हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसमें कोफ्तों को फ्राई नहीं किया है। मैंने आपको दिखाया हमने कैसे कोफ्तों को बेक, काइंड ऑफ बेक किया है, या रोस्ट किया है हल्का, या बेक किया, जो भी आप बोले, लेकिन एटलीस्ट हमने इसको इन लोगों को फ्राई नहीं किया, ठीक है। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रेसिपी। तो रेसिपी अच्छी लगी हुई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बनाना अपने घर पे, बताना मुझे कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का। और पिछले वीडियोज में बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, ऐसे ही प्यार बनाए रखना, और मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर चाहिए अपने, शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ। टिल वी मीट अगेन, कीप कुकिंग, मैं से फिनिश कर लेता हूँ।